हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का नेक्स्ट पेपर आपका आईटी का है, IT 402। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं अभी ये पता लगा रहे हैं कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स उन्हें पढ़ने चाहिए। ठीक है बेटा, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उनके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है बेटा, वो भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेटा स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपके 50 आउट ऑफ 50, ठीक है, पूरे श्योर हो जाएंगे कि आपके 50 आउट ऑफ 50 पूरे आएंगे। ठीक है, तो आपका वहाँ से 100% स्कोर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ कि सिलेबस हमारा क्या है, ठीक है, तो सिलेबस को हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बेटा ये आपका सिलेबस है टोटल, आपकी पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट में आपका डिवाइड हुआ हुआ है पूरा, कहते हैं जो सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से देखो, Unit 1 आपकी यहाँ पे आ रही है, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता होगा कि बेटा आपकी पार्ट ए में Unit 2, Unit 3 एंड Unit 4 ही आ रही है। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है, मैक्सिमम मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, डैश आ रहा है, यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, डैश आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, डैश, यहाँ पे देखो डैश, मतलब यहाँ से कुछ भी नहीं आना है। तो आपको ना तो ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ना ही आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है। तो आपके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, Unit 2, 3 एंड 4, बस बेटा यही तीनों आपको पढ़ने हैं। क्लियर हुआ? अब इनका मार्क्स वेटेज कितना है बेटा, देखो 3, 4 एंड, ठीक है, 3, 3 एंड 4। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपकी 4 मार्क्स की है, ICT स्किल आपका 3 मार्क्स का है, एंड सेल मैनेजमेंट स्किल आपका 3 मार्क्स है, बेटा 10 मार्क्स का टोटल होगा यहाँ से, जिसमें से MCQs आपके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्कोर इजी हो जाएगा 10 मार्क्स का निकालना। इसके बाद अगर हम पार्ट बी की बात करें, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, तो बेटा वहाँ पर टोटल 4 यूनिट है आपकी, एक पहले डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है, दूसरी स्प्रेडशीट के ऊपर है, तीसरी डेटाबेस के ऊपर है, एंड फोर्थ वन आपकी वेब एप्लीकेशन है सिक्योरिटी के ऊपर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है एक मिनट, तो यहाँ पे देखो बेटा 8 मार्क्स का आपका ये आ रहा है, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन, 10 मार्क्स का स्प्रेडशीट आ रहा है, एंड 12 मार्क्स का बेटा देखो वेटेज, देखो 12 मार्क्स की वेटेज आपकी डेटाबेस की एंड वेब एप्लीकेशन की आपकी 10 मार्क्स की। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपको किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। ऑलमोस्ट सबका वेटेज सेम है, लेकिन बेटा ये देखो यहाँ पर डेटाबेस 12 मार्क्स का है, ये यहाँ पर 10 मार्क्स का है, ये यहाँ पर 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो 40 मार्क्स आपके पार्ट बी से एंड 10 मार्क्स आपके पार्ट ए से, ये आपको यहाँ से अपने इजी क्लियर करने हैं। ठीक है बेटा, 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का हो चुका है, वो आपके स्कूल ने आपको देगा, बाकी 50 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधा टॉपिक पे लेके चलता हूँ, आपके पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे हम कि आपको पार्ट ए में कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने चाहिए। ठीक है बेटा, जहाँ से आप कहते हैं अपना इजी स्कोर कर लेंगे। चलिए तो बेटा देखो, हम अपने टॉपिक पे यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से, जल्दी से मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, एक मिनट, या आपको फिर अच्छे से विजिबल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, चलो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो देखो बेटा, क्लास 10th बोर्ड 2023 सब्जेक्ट IT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए थे, हम यहाँ पे कहते हैं वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए ये थोड़ा सा मैं इसको ठीक से जूम कर लेता हूँ इसका, एक मिनट रुक जाइए यहाँ से, ये इरेजर इसे भी मिटाएगा यहाँ पर, इसे भी मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है, पार्ट ए से हम बात कर रहे हैं, पार्ट ए में है हम यहाँ पर, तो पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, Unit 2 है, ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखो मैं यहाँ पे कौन सा बता रहा हूँ आपको, वो बता रहा हूँ आपको स्ट्रेस, कि भाई स्ट्रेस क्या होती है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा, अगर स्ट्रेस के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि स्ट्रेस आपको पढ़ना है यहाँ पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ना है, तो स्ट्रेस कहते हैं कोई भी पर्सन कहते हैं जब भी कोई मेंटल तनाव लेता है, या कहते हैं उसे बर्डन हो जाता है, उसकी बॉडी का बर्डन होता है, काम का बर्डन होता है, मेंटल, ठीक है, मेंटल टेंशन होती है, तो स्ट्रेस बन जाती है। उससे कैसे बचा जाए, कैसे कैसे मैनेजमेंट होगा स्ट्रेस का, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल्फ मैनेजमेंट, कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब कि अपने आप को मैनेज करना, ठीक है, अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज करना, ठीक है, अपने सारी सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, मतलब अपने डे से स्टार्टिंग से लेकर डे की एंडिंग तक अपने आप को मैनेज करना, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट। डिफरेंट एक्टिविटीज बताइए जिससे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटीज बताओ जो किसी इंसान को लेनी चाहिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। तो बहुत से लोग बेटा यहाँ पे योगा भी करते हैं,
ठीक है, एक्सरसाइज भी करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जिम हिट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या करते हैं बेटा, कुछ लोग म्यूजिक यहाँ पे सुनते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे हो सकता है, कोई लोग जॉगिंग करते हैं, कोई मेडिटेशन करता है, तो अलग अलग मेथड हो सकते हैं हर पर्सन का, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि ये आंसर आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे आंसर क्या लिख के आना है, ठीक है। चलो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेल्फ अवेयरनेस, कि कोई इंसान बेटा उसे अपने बारे में बताना चाहिए, उसके खुद के इमोशंस के बारे में, कि उसे क्या चीजें पसंद है क्या चीजें नहीं पता। तो ये होता है सेल्फ अवेयरनेस, ये जरूर पढ़ना है सभी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, अपना डेली का शेड्यूल मैनेज करना, जो इस वक्त आप सभी स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। भाई आपको स्टडी करनी है, आपके एग्जाम है, आपका आईटी का एग्जाम भी, आपका सोशल स्टडीज का एग्जाम भी, आपका मैथ का एग्जाम भी है, लेकिन आपको क्या करना है, तीनों को वैसे वेटेज देना है, क्योंकि मैथ आपका मेन सब्जेक्ट में आता है, एसएसटी आपका मेन सब्जेक्ट में आता है, आईटी आपका स्किल सब्जेक्ट है। तो आईटी को आप कम वेटेज देंगे, एसएसटी एंड कहते हैं आपके मैथ को ज्यादा टाइम देंगे, तो वो था टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन बेटा, अपने इमोशंस के ऊपर एक पर्सन को अपना खुद का रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है, रेगुलेट होना चाहिए, कि कहते हैं हाँ उसे किस समय कौन से इमोशन दिखाने हैं, कौन सी फीलिंग्स पे उसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से समझेंगे, ठीक है बेटा, कैसे करेंगे इसको। इसके अलावा, व्हाट डज स्मार्ट मीन इन गोल सेटिंग, स्मार्ट का मतलब क्या होता है गोल सेटिंग के अंदर, तो बेटा बताइए स्मार्ट का मतलब क्या होगा। एस से होगा स्पेसिफिक, क्या होगा स्पेसिफिक। एम से होगा मीजरेबल, क्या होगा मीजरेबल। एम से ए से हो क्या होगा अचीवेबल, कि भाई वो अचीव भी होना चाहिए। आर से क्या होगा रियलिस्टिक, कि भाई वो रियलिस्टिक वो यहाँ पे होना भी चाहिए वर्ल्ड के अंदर। और टी से क्या होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंडिंग, कि भाई वो टाइम बाउंडिंग होना चाहिए। समझ में आया बेटा, ये पांचों चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे इसके अंदर होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डज एस मीन इन स्मार्ट, कि एस का मतलब क्या होता है स्मार्ट के अंदर, भाई बताइए। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है हमारा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, हम यूनिट नंबर 3 की तरफ आ गए हैं, यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, की ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डिफाइन कीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन आप कर लेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कहते हैं पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, ठीक है। चलो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा, बहुत जरूर ये क्वेश्चन तो जरूर करके जाइएगा आप, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। फाइल मैनेजमेंट जिसके अंदर आ जाएगा, डिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा उसके अंदर, यूजर मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये सब चीजें यहाँ पे देखता है, मेन मेन चीज आपको पता होनी चाहिए, 2 से 3 पॉइंट पता होने चाहिए। इसके बाद बेटा डिफरेंट मालवेयर्स, मालवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वायरस, बूट सेक्टर वायरस, फार्मिंग, फिशिंग, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, मालवेयर्स वाला क्वेश्चन। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बच्चे बच्चे का क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूरा पूरा सिस्टम चलता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप कोई पर्टिकुलर ऐप चला पाते हो, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चला पाते हो, ठीक है। लाइक जैसे अभी हम कहते हैं एमएस वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अगर मैं विंडोज की बात करूँ, लाइनक्स की बात करूँ, यूनिक्स की बात करूँ, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलो बेटा फिर नेक्स्ट यूनिट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है वो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बेटा मैंने आपको यहाँ पे बताए, देखो 4 क्वेश्चन से ही आपका पूरा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का टॉपिक है, 4 नंबर का चैप्टर है, 4 मैंने क्वेश्चन दिए हैं। डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होते, कौन होते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आप कहते हैं इसको एंटरप्रेन्योर कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, कि यहाँ पे एंटरप्रीनोरशिप और एंटरप्रीन्योर की बात हो रही है, कि यहाँ पे एंटरप्रीन्योर है। इस फाइल को बेटा मैं आपके वीडियो के लिंक में कैसे डाल भी दूंगा, ठीक है, आपको वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो मैं वहां पे इसको एंटरप्रीन्योर करके भेज दूंगा। इसके बाद बेटा एंटरप्रीन्योर के फंक्शन क्या क्या होते हैं, भाई एंटरप्रीन्योर क्या क्या काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं, डिसीजन लेते हैं बेटा, और क्या लेते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं बताइए, ठीक है। इसके बाद ठीक है बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो एंटरप्रीन्योर लेता है, ठीक है। इसके बाद क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होती है बेटा, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर बताइए यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है बेटा ये दोनों क्वेश्चन। इसके बाद मिथ्स और मिसकंसेप्शन जरूर पूछता है, कि एंटरप्रेन्योर के बारे में कौन कौन से मिथ हैं जो कि सोसाइटीज में होती हैं, जैसे यंग, कि इसको बस यंग पर्सन ही कर सकते हैं, कि एंटरप्रेन्योर एक यंग पर्सन ही बन सकता है, ठीक है, या इसके अंदर बहुत पैसा चाहिए होता है, अगर आप रिच हैं तो आप ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है बेटा, ठीक है, बहुत सारे आपके हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन है यहाँ पर, ठीक है, जो इसके बारे में बोले जाते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में आप थ्योरी वहाँ पर लेके आएंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आप इसको कर लेना, ठीक है। तो ये तो बेटा हमारा पार्ट ए का था, ये मैंने आपको टोटल 19 क्वेश्चन बताए हैं, इन 19 क्वेश्चन से ही आपके 10 मार्क्स ईजी से यहाँ पे स्कोर हो जाएंगे, ठीक
ठीक है बेटा, कुछ तो आपके एमसीक्यूज आएंगे, तो एमसीक्यू तो वहां से आप कवर कर ही लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन वाले पार्ट है वो आपके यहाँ से हो जाएंगे, इवन एमसीक्यू भी आपके यहाँ से निकल जाएंगे। समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं बेटा पार्ट बी की तरफ। बेटा पार्ट बी में यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, प्लस उन कुछ जो क्वेश्चन मेरे जो है इंपॉर्टेंट उनके मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिए हैं आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द स्टाइल, बेटा स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, क्योंकि देखो स्टाइल और टेम्पलेट, एक और क्वेश्चन आएगा हमारे पास टेम्पलेट, बच्चों को वहाँ कंफ्यूजन होती है। तो बेटा स्टाइल होती है प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ठीक है। कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शन पहले से प्री डिफाइंड होते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, चाहे वो वर्ड हो चाहे ओपन ऑफिस हो, जिससे कहते हो कोई भी पर्सन अपनी फॉर्मेटिंग ईजी कर सकता है। वो उसे बनी बनाई कहते हैं, वहाँ पे थीम वो बन जाएगा कि हाँ भाई अगर उसे बुलेट लिस्ट चाहिए तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो वो तो स्टाइल होता है। When you apply a style, you apply a whole group of format at the same time. मतलब एक साथ आप बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर पाते हैं अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर। समझ में आया? ठीक है चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल इन अ वर्ड प्रोसेसर। बेटा यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा क्वेश्चन वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। देखो अगर मैं पेज स्टाइल के अंदर आऊँ तो पेज स्टाइल में यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है आपको, हेडर दिखाई दे रहा है, फुटर दिखाई दे रहा है, बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एमसीक्यू में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि मार्जिन मार्जिन हेडर फुटर या कोई भी यहाँ पे नाम दे देगा कि ये किस स्टाइल के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन दे देगा पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल की फ्रेम स्टाइल। बच्चे वहीं कंफ्यूज रहेंगे अगर बच्चों को नहीं पता होगा, तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए। देखो पेज से एसोसिएटेड है, पेज में मार्जिन होते हैं, पेज में ही हेडर एंड फुटर होते हैं, पेज का ही बॉर्डर होता है, पेज का ही बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ से आप क्लियर कर लो अपने कॉन्सेप्ट। पैराग्राफ की बात कर लो तो पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से होंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट होगा, पैराग्राफ का टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, टैब स्टॉप होता है, लाइन स्पेसिंग होता है, बॉर्डर होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा, इसकी एक टेबल बना के आप रख लीजिए ताकि आप इसको जरूर लर्न कर लो। यहाँ से एमसीक्यू, दो एमसीक्यू पक्का पूछ लेता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप देखेंगे ना ट्रेंड इसका, तो यहाँ से एक से दो एमसीक्यू पक्का पूछ लेता है। कैरेक्टर के अंदर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अगर आपको करना हो, फॉर्मेटिंग करनी हो उसकी, ठीक है, फॉन्ट साइज छेड़ना हो, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं फ्रेम स्टाइल की बात करूँ तो फ्रेम मतलब कि बेसिकली कुछ छोटा सा फ्रेम बना देते हैं हम, ठीक है। तो उस फ्रेम के कहते हैं रैपिंग करना, कि उसके अराउंड कैसे टेक्स्ट कैसे आएगा, बॉर्डर्स क्या होगा उसका, बैकग्राउंड क्या होगा, कॉलम कितने होंगे, कितने कॉलम में डिवाइड करना है हमें, नंबरिंग बुलेट लिस्ट होगी कि नंबर लिस्ट होगी, उसमें भी किस कैटेगरी का होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट क्या होगा उसका, ठीक है। सेल स्टाइल, बॉर्डर, बैकग्राउंड, सेल का बॉर्डर क्या होगा, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जितनी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, सारे सारे आपको इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पे पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है। कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ने, ये आपको पढ़ के जाने हैं, आपके पक्का यहाँ से एक या दो नंबर का क्वेश्चन आने ही वाला है। इसके बाद डिफरेंट वेज बताइए भाई ओपन करने के, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट वेज बताइए ओपन करने के, क्या ओपन करना है भाई, फॉर्मेटिंग विंडो। तो यहाँ से एक एमसीक्यू भी बन सकता है, एमसीक्यू बन जाता है किसके ऊपर, एमसीक्यू मैं बताता हूँ आपको किसके ऊपर बनता है, एमसीक्यू बनेगा आपका इसके ऊपर, ये आपसे पूछ लेता है। आपको बताना है F11, शॉर्टकट की बताइए स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करने की, तो वहां पे क्या आएगा F11। समझ में आया? ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट वे टू इंसर्ट अ इमेज। बताइए डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के। तो यहाँ पे बेटा अलग अलग मैंने यहाँ पे आंसर बताए हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी को भी ड्रैग कीजिए फाइल को, कर लीजिए ड्रॉप। इसके बाद इंसर्ट में जाके भी आता है ऑप्शन, ठीक है। इंसर्टिंग ऑफ इमेज फ्रॉम द क्लिप बोर्ड से आप इंसर्ट कर सकते हो, स्कैनर का यूज कर सकते हो, फ्रॉम द गैलरी, अलग अलग ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है। अब बेटा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसकी मैं बात कर रहा था, टेम्पलेट। टेम्पलेट यहाँ से आपको जरूर पढ़ के जाना है, टेम्पलेट क्या होते हैं, ठीक है। तो टेम्पलेट बेसिकली प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं बेटा, सेटिंग ऑप्शन होता है, ठीक है, सेटिंग या सेटिंग ऑप्शन होते हैं, और टेम्पलेट आपकी प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं, पूरी पूरी फाइल होती हैं, वो पूरे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होती हैं, और सेट और आपके स्टाइल्स किसी पैराग्राफ के ऊपर या पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर अप्लाई होती हैं। बस ये डिफरेंस जरूर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। टेम्पलेट की डेफिनेशन आपको जरूर यहाँ से लर्न कर लेनी है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ नीचे, हाउ टेम्पलेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्टाइल, दोनों के बीच में देखो मैंने अभी जो बताया वही क्वेश्चन है यहाँ से, कि आपको इसका डिफरेंशिएट जरूर पढ़ के जाना है बेटा ये वाला, ठीक है। चलो इसके बाद मेल मर्ज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेल मर्ज क्या होता है बेटा। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आपको अलाउ करता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट आपने टाइप करा है, डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, आप उसको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसिपिएंट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहते हैं बेसिकली दो टाइप के डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, एक होता है मेन डॉक्यूमेंट और एक होता है डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट में आपका लेटर होता है और डेटा सोर्स के अंदर आपके एड्रेस होता है रिसिपियंट्स का, ठीक है, आर रिक्वायर्ड फॉर मेल मर्ज, ठीक है। तो इसकी एडवांटेज जरूर पढ़ लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट से बनता है, इस स्टेप्स नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसका स्टेप कभी नहीं आते हैं, तो स्टेप नहीं पढ़ने हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्स ट्रैप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैक्स ट्रैप क्या होता है? तो टैक्स ट्रैप एक ऐसा फीचर होता है जिसकी मदद से किसी भी पिक्चर के अराउंड आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है, कितना स्पेस उसके अराउंड आएगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग के अंदर। तो अलग अलग ऑप्शन होते हैं, नो रैप, पेज रैप, रैप थ्रू, ठीक है, इन बैकग्राउंड, ठीक है, इस तरीके से। चलिए बेटा, फिर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से आता है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट की डेफिनेशन क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट फीचर लेट यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट। जैसे आपकी बुक के पेज की स्टार्टिंग में लिखा होता है ना, इंडेक्स लिखा होता है कि ये वाला टॉपिक आप किस वाले पेज के ऊपर है, बेटा इस टाइप से अगर आपको कभी बनाना हो तो वहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट का आप यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, आपको ये जरूर लर्न करनी है। इसके बाद बेटा देखो, मैंने एक टेबल यहाँ पे आपको ये बनाए हैं, यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि आपको ये जरूर करके जाना है, ठीक है। इसको जहाँ ध्यान से देखिएगा, इमेज इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कहेगा कि भाई बताओ, इन्वर्ट के अंदर कहते हैं हम क्या क्या करते हैं, या ये वाली डेफिनेशन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको ग्रेट डिफाइन करेगा। तो देखो, जब आप कलर की वैल्यू को क्या कहते हैं, चेंज कर देते हैं, इन्वर्ट द कलर, आपने कलर चेंज उल्टे कर दिए इसके, तो वो क्या होता है, इन्वर्ट इफेक्ट होता है। आपने ये सब एडिटिंग के अंदर मोबाइल एडिटिंग करी होगी ना, तो बेटा ये सारे वही ऑप्शन है। जब भी आपको कॉन्ट्रास्ट को कहते हैं सॉफ्टन करना है, तो वहाँ पे सॉफ्ट स्मूथ का यूज़ करते हैं आप। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है तो ये शार्पन कर देते हैं। आपको सिंगल सिंगल पिक्सल देखनी है, ठीक है, मतलब जो छोटे छोटे उसके अंदर डिस्टॉर्शन आ रहे हैं उसको रिमूव करना है, तो रिमूव नॉइस हो जाता है। तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर है, ये सारे एक बार आप जरूर एक रात पहले जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से यहाँ से एमसीक्यू बनता है। तो चलिए बेटा, फिर हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 2, ठीक है, डिजिटल स्प्रेडशीट के ऊपर, जो हमारी 10 मार्क्स की आएगी। कितने मार्क्स की बेटा? 10 मार्क्स की आएगी। चलो, इसमें बेटा पहला ही क्वेश्चन डिजिटल डेटा कंसोलिडेशन। तो डेटा कंसोलिडेशन से कंफ्यूज नहीं होता है, कंसोलिडेशन का मतलब ऐसे समझो, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि डेटा को कलेक्ट करना। अलग अलग हमारे पास स्प्रेडशीट है, उन पे से डेटा को कलेक्ट करना है और एक मास्टर वर्कशीट के अंदर, एक मेन वर्कशीट के अंदर उसको क्या करना है, सेव कराना है, ठीक है। तो यही यहाँ पे मेन वर्क है इसका, और कुछ नहीं है। डेटा कंसोलिडेशन रेफर्स टू द कलेक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ सिंगल डेस्टिनेशन। इस तरीके से समझ में आया बेटा, जो मैंने ये बताया वही यहाँ पे डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इफ सिनेरियो? तो बेटा स्प्रेडशीट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो आपको मिलता है ना, वो मिलता है आपको व्हाट इफ सिनेरियो, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, आप कहते हैं क्वेश्चन कर पाते हो, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं आपके पास, ठीक है, तो वहाँ से आप कहते हैं अपने सिनेरियोस बना पाते हो डिफरेंट डिफरेंट, कि हाँ ऐसा करने पे क्या होगा। व्हाट इफ का मतलब क्या होता है सिंपल सा हिंदी में, कि अगर ऐसा हो जाए तो, व्हाट इफ, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन को जरूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लिंक टू सोर्स डेटा। बेटा जब आप डेटा कंसोलिडेशन करते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, एक सेटिंग आती है लिंक टू सोर्स डेटा, जिसका मतलब होता है कि अगर लिंक के अंदर आपने डेटा को चेंज कर दिया, लिंक में मतलब कि जहाँ से आपने डेटा को उठाया है ना, अगर आपने सोर्स को, सोर्स जो आपका सोर्स है वहाँ से आपने डेटा को उठाया, अगर आपने वहाँ पे कुछ चेंज करा, ठीक है, तो उसका इफेक्ट आपके आउटपुट पे भी होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए आपका रिजल्ट। मान लो आपने किसी बच्चे के मार्क्स 5 की जगह 10 कर दिए, तो भाई जहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे ना आउटपुट के अंदर, वहाँ पे भी उसका चेंज आना चाहिए, वहाँ पे भी मार्क्स, टोटल मार्क्स 5 से इंक्रीज करने चाहिए। तो लिंक टू सोर्स डेटा ये यहाँ से हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ सब टोटल कमांड? तो बेटा सब टोटल कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है हमारी। सब टोटल कमांड कैलसी ऑटोमेटिकली क्रिएट्स, बेटा ये ग्रुप बनाती है। एमसीक्यू पूछ लेना कहीं पे, आ जाए ग्रुप लिखा आ जाए, इसका मतलब समझ लेना वहां पे क्या आंसर देना है, सब टोटल कमांड देना है। वहां पे आंसर क्या देना है आपको, सब टोटल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राइट द नेम ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ गॉलसीक विंडो। कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं गॉलसीक विंडो के, तो यहाँ से आप बस इनके नाम देख लीजिए। फॉर्मूला सेल, जो आपकी फॉर्मूला सेल होती है इसके अंदर आपने फॉर्मूला लगाया है। एंटर द रेफरेंस ऑफ द सेल, जिसके अंदर आपने फॉर्मूला लगा रखा है। टारगेट सेल, ठीक है, जी, टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू का मतलब कितनी वैल्यू आपको चाहिए गोल सीक के अंदर। अ वेरिएबल सेल, किस सेल को आपको वैरी कराना है, ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग डॉक्यूमेंट इन कैलसी। डॉक्यूमेंट को अगर आप शेयर करते हैं, आपको पता है शेयर कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट को कैलसी के अंदर, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? भाई सिंपल सी बात है, एक टाइम पर मल्टीपल यूजर उससे काम कर सकते हैं, तो हमारा टाइम सेविंग होगा, कोलैबोरेशन आराम से कर पाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे, आपको इसके बारे में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेन आएगा बेटा मल्टीपल ऑपरेशन। तो मल्टीपल ऑपरेशन लाइक सिनेरियो, मल्टीपल ऑपरेशन इज ऑल्सो अ प्लानिंग टूल। सिनेरियो की तरह ये भी आपका क्या है, एक प्लानिंग टूल है। किसका? व्हाट इफ क्वेश्चन का, ठीक है, जिसके अंदर हम एक एरे के ऊपर वर्क करते हैं। मतलब जो फॉर्मूला है
वो फॉर्मूला बेसिकली व्हाट इफ क्वेश्चन के अंदर सिंगल एक वैल्यू पे काम करता है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर काम करता है, वो ही सेम फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, स्टेप बेटा स्टेप वगैरह नहीं आएंगे कभी भी, इसके ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई, इसकी डेफिनेशन जरूर लर्न करनी है आपको। इसके बाद बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल सीक, ठीक है, गोल सीक बहुत ध्यान से और इसे समझिएगा इसको, ठीक है। तो गोल सीक इज बेसिकली यूज व्हेन आवर आउटपुट और टारगेट वैल्यू इज फिक्स, जब भी आपकी टारगेट वैल्यू और ठीक है आउटपुट आपका फिक्स है, मान लो आप कोई बच्चा है, उसके 6 एग्जाम हो रहे हैं, 5 उसके हो चुके हैं, ठीक है, और 5 में उसके अभी तक 70% बन रहे हैं। अब उसे टारगेट, उसका टारगेट है 75 का, कितना टारगेट है बेटा उसका 75 का, ध्यान समझिएगा, उसे लेके आने हैं 75%, और अभी तक उसकी आ रही है 70%, और उसका एक एग्जाम बचा है, तो उस एग्जाम एक एग्जाम के अंदर उसे कितने नंबर लाने चाहिए कि उसकी 70 से 75% बन जाए ओवरऑल, ठीक है। तो ये चीज, ये टारगेट फिक्स हो गया ना आपका, ये देखो टारगेट आपका फिक्स हो गया है, ठीक है, और अब हमें चेंज करना है, तो चेंज हम कर सकते हैं, चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा गोल सीक, तो गोल सीक का मतलब है, कई बार हम इसको बोलते हैं रिवर्स वे, इसे हम रिवर्स कैलकुलेशन के नाम से भी जानते हैं, कि रिवर्स कैलकुलेशन हम इसके अंदर कर रहे हैं, समझ में आया बेटा इस तरीके से, क्लियर। चलो इसके अंदर हम तीनों चीजें हमने पढ़ ली है, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू, वेरिएबल सेल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिकॉर्ड चेंज। तो बेटा जब आप शेयर करते हो डॉक्यूमेंट को, तो मान लो अगर 10 स्टूडेंट्स ने उसे यूज करा, तो मुझे कैसे पता लगेगा, जब मैंने शेयर उसे करा है, मुझे कैसे पता लगेगा कि किस स्टूडेंट ने किस कहाँ पे चेंज कुछ काम करा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं रिकॉर्ड चेंज। तो कैलसी हैज अ फीचर, देखो यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ, आप ध्यान समझेगा इसको, कैलसी हैज अ फीचर टू ट्रैक व्हाट डेटा हैज व्हाट चेंज, कौन सा डेटा चेंज हुआ है, व्हेन द चेंज वाज मेड, किस कब हुआ है चेंज, किसने करा है चेंज, हु मेड द चेंज इन द सेल, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कहते हैं क्या हो जाती है बेटा आपकी, दिख जाती हैं विद अ कलर्ड बॉर्डर। एक कलर्ड बॉर्डर होता है आपकी जो सेल होती है ना, उसका बॉर्डर कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, वो चेंज हर पर्सन का अलग होगा, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है उसका रेड आ रहा है, तो हो सकता है किसी और पर्सन का वहां पे क्या आए, किसी और कलर से आए, मान लेते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो अलग अलग कलर से अलग अलग यूजर्स को शो करेगा वहां पर, समझ में आया। तो बॉक्स वहां पे शो करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कि किस पर्सन ने वहां पे किसको यूज करा, क्लियर। चलो तो ये जरूर पढ़ लेना है आपको रिकॉर्ड चेंज यहाँ से। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कमेंट्स क्या होते हैं, तो बेटा कमेंट्स भी आप कहते हैं शेयरिंग में काम आते हैं, ठीक है, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट का रोल क्या होता है, ठीक है। मैक्रो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं फिर से बात करूँ, मैक्रो आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, मैक्रो की डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ लेंगे। इसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ अ स्प्रेडशीट, तो डिफरेंट वर्जन का आप स्प्रेडशीट क्यों कंपेयर करते हैं, कि भाई ये मेरा ओरिजिनल डेटा था, ये डेटा ओरिजिनल था और ये डेटा मेरा चेंज हो गया है, तो कौन सी सेल में कहाँ पे चेंज हुआ है, तो उन चेंजेस को देखने के लिए आप कहते क्या करते हैं, अपने वर्जन्स को कंपेयर करते हैं। इसके बाद हाइपरलिंक का क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव हाइपरलिंक, तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली जब भी आप कहते हैं नेविगेट करेंगे बिटवीन द वर्कशीट, बिटवीन द डेटा और बिटवीन द इंटरनेट, दो वेबसाइट के बीच में, तो हाइपरलिंक का आप यूज करते हैं। दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट जहाँ पे आपका जो एड्रेस होता है वो कहते हैं फुल एड्रेस होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, आंसर है, मैंने पूरा आंसर यहाँ पे लिख रखा है, फुल एड्रेस होता है यहाँ पर, ठीक है, और रिलेटिव के अंदर पार्शियल एड्रेस होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान से रखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए फिर मैं अगर आगे बात करूँ, व्हाट डू मीन बाय पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अस मैक्रो, ये जरूर कर लेना है, ठीक है। जब भी आप कहते हो कोई वैल्यू पास करते हो किसी मैक्रो के अंदर, तो उसकी यहाँ पे बात कर रहा है, मतलब कि आपको फॉर्मल पैरामीटर, कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर आप पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। इसके बाद बेटा सॉल्वर, जैसे आपने गोल सीक को पढ़ा ना, तो गोल सीक के अंदर हम वेरी कर सकते हैं सिर्फ एक एक सेल को, सॉल्वर के अंदर बेटा हम मोर हम मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्योंकि डिफरेंशिएट आ जाता है दोनों के बीच में, कि सॉल्वर और गोल सीक में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन कीजिए, क्लियर हुआ। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग, तो सेल रेफरेंसिंग को देखते हैं। सेल रेफरेंसिंग बेसिकली क्या है, जब भी बेटा आप कहते हैं कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो उस फॉर्मूले के अंदर आप किसी ना किसी सेल को किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू ही बताते हैं, कि भाई ये वाली सेल इस शीट के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर हुआ।
तो यहाँ से इनके आपको एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, इंडिविजुअल सेल पे जाना है तो पहले शीट का नेम आएगा, देखो शीट का नेम आएगा, डॉट सेल एड्रेस आएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, मान लो हमारे पास आ रहा है शीट का नेम, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो शीट का नाम है मान लो हमारे पास है आकाश, ठीक है, डॉट, अब सेल का नाम क्या आएगा, ए वन आ जाएगा। इस तरीके से आ रहा है रेंज ऑफ सेल, तो ऐसे आ जाएगा आकाश डॉट ए वन कॉलन ए सेवन, इस तरीके से। तो अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, समझ में आया। चलिए इसके बाद अनादर डॉक्यूमेंट में अगर है तो वहाँ पे उसका एग्जाम्पल ही मैंने आपको लिख रखा है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया, चलिए फिर हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो बेटा यहाँ पे हमारी जो यूनिट नंबर थर्ड है वो, ठीक है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, यूनिट नंबर थर्ड को देख लेते हैं बेटा। यूनिट नंबर थर्ड टोटल हमारी 12 मार्क्स की है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर, तो इसके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ बेटा, एक इम्पॉर्टेंट हमारी जो वीडियो होगी वो मैं अलग से लेके आऊँगा इसके लिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं इसके लिए डेटाबेस के लिए लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं एक क्वेरीज की वीडियो बनाऊँगा कि बच्चे कैसे क्वेरीज अपनी कर पाएंगे क्लियर यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आप क्या है थ्योरी रेस्पेक्ट के लिए कहते हैं, यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि 12 नंबर में से लगभग 6 से 7 नंबर की थ्योरी आती है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपका क्वेरी बेस पर, ठीक है। तो पहले आप 6 to 7 मार्क्स अपने वो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फिर 1 या 2 दिन बाद मैं आपकी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें से डेटाबेस के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी पहले मैं जल्दी से कहते हैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं, ठीक है, बहुत ही इजी इजी से क्वेश्चन होंगे। चलिए बेटा, तो यहाँ से हम देखें तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, कि इन्फॉर्मेशन और डेटा क्या होता है। तो बेटा इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा, आपका डेटा जो होता है ना वो रॉ मटेरियल होता है, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है आपका डेटा, कॉन्सेप्ट होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर। या डेटा की बात करिए तो एक और डेफिनेशन है यहाँ पे इसकी, डेटा इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच हैव नो राइटफुल मीनिंग, जिनकी कोई राइटफुल मीनिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन उसी में से उसी राइट नो राइटफुल मीनिंग डेटा में से अगर आप मीनिंगफुल डेटा निकाल लें तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पीछे आ चुका है क्वेश्चन पहले भी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस आपका कहते हैं कलेक्शन, डेटाबेस आपका कलेक्शन ऑफ लॉजिकल डेटा होता है जिसके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक एफिशिएंट वे के अंदर, जहां से आप डेटा को अपने आराम से निकाल सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। मैनिपुलेट का मतलब डेटा को सेव करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, ठीक है, उसके अंदर अपडेशन करना, तो उसे कहते हैं मैनिपुलेशन। क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा के साथ खिलवाड़ कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया डीबीएमएस, तो बेटा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको अलाव करता है कि आप कहते हैं डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस तरीके से, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बेटा एग्जाम्पल, जरूर ध्यान से रखिएगा, ये एग्जाम्पल्स बहुत पूछ लेता है यहाँ से, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनके एग्जाम्पल्स के नाम पता होने चाहिए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीबीएमएस की एडवांटेजेस बताइए। यहाँ से बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है बहुत बार, डायरेक्ट पूछता है मतलब कि डायरेक्ट, एक तो यह डेफिनेशन ये वर्ड आ गया डेटा रिडंडेंसी, एक तो या ये पूछ लेता है डायरेक्ट आपसे, या फिर पूछ लेता है डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। तो मैं इसको आपको अलग से समझा देता हूँ, देखो रिडंडेंसी का मीन्स होता है रिपीटेशन, क्या मतलब होता है इसका? रिपीटेशन ऑफ डेटा, जब आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब बेटा एक टेबल के अंदर अगर 2 रो पूरी पूरी सेम आ जाए, मतलब ये रो पूरी पूरी सेम आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिपीटेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेट हो गया डेटा आपका, मतलब एक ही कैंडिडेट की 2 डिटेल्स नहीं हो सकती ना, तो वहाँ पे इस तरीके से होता है आपका रिपीटेशन। नेक्स्ट होता है इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेटा है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब जो डेटा आपका इसके अंदर है वो मिसमैच कर रहा है। मान लो 2 टेबल्स हैं हमारे पास, एक टेबल के अंदर तो किसी बच्चे का मोबाइल नंबर कहते हैं अलग लिखा हुआ है, और एक के अंदर दूसरा लिखा हुआ है, तो डेटा 2 हो गए ना, अब एक ही बच्चे के 2 मोबाइल नंबर आ गए, अब एक पुराने वाला था एक नए वाला था, तो डेटा अगर हमारा सही होगा, डेटाबेस हमारा सही से काम करना चाहिए, तो अगर यहाँ पे अपडेट करा गया है ना तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अपडेट होगा, ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए हमारी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑन अपडेट कास्केड, ठीक है, ऑन अपडेट कास्केड होता है कि अपडेट करने पर कहते चेंज हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं हो रही है
ठीक है, तो वो हमारा डेटाबेस क्या होगा, वो एफिशिएंट डेटाबेस हमारा नहीं है। इसके बाद शेयरिंग ऑफ डेटा यहाँ से पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग ऑफ डेटा इन डेटाबेस। तो मतलब जो आपका डेटाबेस है वो आपका एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर होता है, तो वहाँ से कोई भी पर्सन ठीक है आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, जिसके बाद उसका ऑथराइज एक्सेस होगा। इसके बाद एंश्योर डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी एंश्योर करता है ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलो इसके बाद नेक्स्ट को अगर देखें हम, तो नेक्स्ट है हमारा डेटा वैलिडेशन। बेटा डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या है, अगर आप मोबाइल नंबर सेव कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर के अंदर आपके डिजिट्स ही आने चाहिए, ना कि कोई ऐसे अल्फाबेट्स आ जाए, तो उसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन, कि ये वैलिड करता है डेटा कौन किस टाइप का डेटा वहाँ पे एंट्री होगा, ये वैलिडेट करता है उसको ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंगल सिंगल टर्म्स पूछी हुई है लास्ट ईयर्स में भी, कि व्हाट इज टेबल, व्हाट इज फील्ड एंड टपल। तो टेबल तो आपको पता है रोस एंड कॉलम से मिलती है, लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड इसके अंदर होते हैं हमारे। अगर हम फील्ड की बात करें तो बेटा देखो फील्ड बेसिकली क्या है, अ फील्ड रिप्रेजेंट वन पार्ट। मान लो हमारे पास ये टेबल है, या सर इसी एक मिनट रुको जरा, मैं इसे रफ करता हूँ, मैं एक यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे टेबल बना रहा ठीक है बेटा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेबल बनानी स्टार्ट करी, थोड़ी सी रफ टेबल है। देखो मान लो मैंने यहाँ पे डाला सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने डाला नेम ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला एफ नेम फादर नेम, यहाँ पे मैंने डाला एड्रेस ठीक है, यहाँ पे डाला मैंने मोबाइल नंबर ठीक है, यहाँ पे मैंने वन डाल दिया, यहाँ पे ए बी सी डाल दिया, यहाँ पे एक्स वाई जेड डाल दिया, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, मान लो कोई भी दिल्ली डाल दिया, दिल्ली आ गया, मोबाइल नंबर फलाना दिखाना कुछ भी कर दो। अब यहाँ पे देखो जरा, ये जो सीरियल नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फील्ड है, नेम दिखाई दे रहा है ना, ये आपका फील्ड है, नेम दिखाई दे रहा है, एफ नेम दिखाई दे रहा है, ये फील्ड है, ये क्या है फील्ड है, ये क्या है फील्ड है, मतलब सिंगल सिंगल एंट्रीज जो है ठीक है वो हमारी क्या है आपकी फील्ड्स हैं। अब सर ये रिकॉर्ड और टपल क्या होते हैं, ये क्या है बेटा, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ पूरा पूरा ये दिखाई दे रहा है, या मैं इसका अगर मार्कर का कलर चेंज करूँ तो आप अब देखना जरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा वन वन ए बी सी एक्स वाई जेड, तो ये है आपका पूरा पूरा क्या, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये है आपका पूरा पूरा क्या रिकॉर्ड और टपल। समझ में आया इस तरीके से, तो ये ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे आप समझा सकते हो एग्जाम में भी अगर पूछता है आपसे कि ये बताइए ये क्या है और ये कहाँ से क्या होगा ठीक है। चलो इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ के हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आर डी बी एम एस। तो डी बी एम एस हमने पढ़ा था, तो अब आर डी बी एम एस क्या होता है बेटा, आर डी बी एम एस में बस एक ही वर्ड आ गया है आर ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब दे रखा है इन्होंने, देखो क्या है रिलेशनल, मतलब जब भी एक से ज्यादा टेबल में डेटा आपका होगा तो बेटा वहाँ पे उन दोनों टेबल्स के बीच में एक रिलेशन होगा, तो इसलिए वहाँ पे हम कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं, आर डी बी एम एस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन विच टेबल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय फील्ड्स। दो टेबल के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फील्ड्स होंगे जहाँ पे जिसकी वजह से वो जुड़ रही होंगी एक दूसरे से। क्लियर हुआ ठीक है। चलो इसके बाद बेटा यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन अगर आपका ना आए ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझ लीजिएगा इसको ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका ठीक है। कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, ये तीनों की यहाँ से पूछ लेता है। इसके बाद फॉरेन की क्या बोलता है, विद एग्जाम्पल ही पूछ लेता है, तो एग्जाम्पल मैंने इसमें नहीं दिया, एग्जाम्पल आप बना सकते हो। बेटा समझो मैं आपको ना एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, ध्यान समझना, मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं एक मेरे पास टेबल है, उस टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास फील्ड्स हैं, ध्यान समझना इसे ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट के बारे में है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है हमारे पास, एक स्टूडेंट का एडमिशन नंबर हो सकता है, इसके बाद उसका नेम हो सकता है, फादर का नेम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, इसके बाद उसका एड्रेस हो सकता है, उसका बेटा आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड नंबर, उसका पैन नंबर, अगर बच्चे का पैन नंबर ही बन रहा है। तो आप मुझे इसमें से आप बताओ, इसमें से कौन कौन से ऐसे फील्ड्स होंगे बेटा जो यूनिक होंगे, यूनिक का मतलब समझ लो जिसके अंदर डेटा रिपीट नहीं करेगा। देखो एडमिशन नंबर हर बच्चे का अपना अलग होता है स्कूल के अंदर, पूरे स्कूल के अंदर हर बच्चे का अलग होता है, नेम रिपीट कर सकता है, फादर नेम रिपीट हो सकते हैं, मोबाइल नंबर रिपीट हो सकते हैं, दो भाई बहन है सेम मोबाइल नंबर होंगे, एड्रेस भी रिपीट हो सकते हैं भाई बहनों का, आधार कार्ड रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता आधार कार्ड रिपीट नहीं हो सकता, पैन नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर मोबाइल नंबर रोल नंबर भी तो नहीं हो सकता, बट बेटा रोल नंबर मैं स्कूल की बात करूं अगर, तो स्कूल वाइज में रोल नंबर हो सकता है भाई, 12 क्लास मेरे पास है, हर क्लास के अंदर रोल नंबर वन तो होगा ना, तो रोल नंबर तो रिपीट करेगा। इसका मतलब बेटा देखो मेरे पास यूनिक एंट्रीज कौन कौन सी हुई, एक दो और तीन, ये तीनों मेरी क्या हुई यूनिक एंट्रीज। अब इन तीनों यूनिक एंट्रीज में से किसी एक को हम यहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा, प्राइमरी की बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्राइमरी की,
फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी प्राइमरी की बना दिया किसको, एडमिशन नंबर को। अब ये प्राइमरी की क्या होती है, भला क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन समझो मैंने प्राइमरी की बना दिया। तो जो बाकी दो मेरी यूनिक की हैं, जो मेरी बाकी की दो यूनिक की हैं, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, जिनको मैंने अभी का कुछ नहीं बनाया है बेटा, ये बन जाती है मेरी कैंडिडेट की, क्योंकि ये कैंडिडेट है क्या बनने के लिए, प्राइमरी की बनने के लिए, लेकिन इन्हें बनाया नहीं गया है, तो ये क्या बन जाती है मेरी कैंडिडेट की, क्या बन जाती है ये, उन्होंने मेरी होगी कैंडिडेट की, ये भी क्या होगी मेरी कैंडिडेट, ये भी मेरी क्या होगी कैंडिडेट, ये होगी मेरी प्राइमरी की। समझ में आया पहले तो इतना कॉन्सेप्ट। चलो अब जो हमारा था उस पर आ जाते हैं हम दोबारा से, जो हमारा टॉपिक था, तो कैंडिडेट की इज अ सिंगल और ग्रुप ऑफ मल्टीपल की डेट यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन, देखो आ रहा है ना यूनिक वर्ड आ रहा है, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रो को, ठीक है। अब आ जाओ प्राइमरी की, ठीक है, तो प्राइमरी की इज द की कैंडिडेट की, ये कैंडिडेट की ही होती है, ठीक है, जिसको हम बनाते हैं। देखो क्या आ रहा है, सिलेक्टेड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू यूनिकली आइडेंटिफाई, जिसको हम डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई तुम हो यहाँ पर इन सब में मेन, ठीक है बेटा। ऐसे समझो कोई भी कहते क्लास के अंदर कहते हैं इलेक्शन हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, मॉनिटर बनने के लिए, तो अगर हमने चार कैंडिडेट्स को खड़ा करा कि कौन कौन मॉनिटर बनना चाहता है, तो चारों के चारों कैंडिडेट हैं, लेकिन जो जीतेगा वो क्या हुआ, वो प्राइमरी, वो मॉनिटर बनेगा, ऐसे समझो यहाँ पर हमने किसी एक को बना दिया तो वो प्राइमरी की बन गया, ठीक है, बाकी जो बच गए वो क्या होंगे हमारे, मतलब कि इस तरीके से। अब समझो सारे सारे कैंडिडेट थे, किसी एक को प्राइमरी बना दिया, तो बाकी जो बचे वो क्या बने, ठीक है, वो बाकी सब क्या बने, ठीक है, वो सब हमारे क्या बनेंगे, अल्टरनेट की बनेंगे, क्या बनेंगे, अल्टरनेट। देखो ये आ गया यहाँ पे वर्ड, अल्टरनेट आर दोज कीज विच आर नॉट द प्राइमरी कीज, अल्टरनेट क्या है हमारी, वो प्राइमरी की है। देखो मैंने यहाँ पे 1 मिनट, तो ये हमारी अल्टरनेट की होंगी, क्या होंगे बेटा ये अल्टरनेट, 1 मिनट, ये अल्टरनेट हो जाएंगी, ठीक है। टोटल की बात करूँ तो ये भी कैंडिडेट, ये भी कैंडिडेट, ये भी कैंडिडेट, लेकिन प्राइमरी इसको बनाने के बाद ये दोनों अल्टरनेट बन गई हैं, ये समझो बस, ठीक है, समझ में आया। चलो अब एक और की आ जाती है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, वो है फॉरेन की, बच्चों को समझ में नहीं आता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका, बेटा ध्यान से समझो, हमारे पास दो टेबल है, दोनों टेबल में कोई ना कोई टेबल, दो समझो, एक टेबल वन है, इसको मैं यहाँ से इसको ऐसा करता हूँ, इसे हटाओ, इसे भी हटाओ, इसे हटाओ, ऐसे समझो हमारे पास बेटा एक टेबल वन है और एक हमारे पास टेबल टू है। टेबल वन के अंदर हमारे पास एक एक हमारे पास प्राइमरी की होगी, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्राइमरी की होगी, ठीक है, इसके अंदर बाकी सारी हमारे पास कीज होंगी ना, और भी तो की होंगी इसके अंदर, लेकिन अब समझो इन दोनों कीज की, इन दोनों टेबल के अंदर कुछ ना कुछ एक लिंक बनेगा, क्या बनेगा, लिंक बनेगा, वो लिंक जिस कॉलम के थ्रू बनेगा ना, वही कॉलम हमारा क्या हो जाता है, फॉरेन की बन जाता है, क्या बन जाता है, फॉरेन की। देखो फॉरेन की इज एट्रीब्यूट विच इज प्राइमरी की इन इट्स पेरेंट टेबल, मतलब इसके अंदर तो वो क्या है, प्राइमरी की है, देखो तो इसकी प्राइमरी की जो बनेगी यहाँ पर, वो इधर कुछ ना कुछ कॉमन होगी, यहाँ भी आ रही होगी, लेकिन वो यहाँ यहाँ प्राइमरी की नहीं होगी, यहाँ प्राइमरी की कोई और है, यहाँ पे प्राइमरी की जो है वो यहाँ पे प्राइमरी की नहीं होगी, यहाँ पे कुछ और है, लेकिन वो यहाँ पे यूज हो रही है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फॉरेन की बोल देंगे, क्या बोल देंगे, फॉरेन की। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना इसको, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके अलावा यहाँ अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा कि फॉर्म, क्वेरी और रिपोर्ट, ठीक है बेटा, थ्योरी के क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि फॉर्म क्या होती है, क्वेरी क्या होती है, रिपोर्ट्स क्या होते हैं, तो यहाँ से आप इनके क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ से आपके फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में डेफिनेशन पूछ लेता है फॉर्म, क्वेरी एंड रिपोर्ट। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस, ये आपको पता होने चाहिए, थोड़े से आपको पता होने चाहिए, ये थ्योरी पर्पज में कभी नहीं आता है, लेकिन जब आप टेबल को स्ट्रक्चर, जब टेबल का स्ट्रक्चर आता है ना, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो मैं इनको आप अपने आप इसको देखिएगा। इसके बाद हम किसी तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, बस इसको बस एक बार बेटा ओवरव्यू कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, इसको आप बस ओवरव्यू कर लेना कि हाँ ये और ये तरीके होते हैं, डिज़ाइन, विजार्ड और क्वेरी। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं सब में इंपॉर्टेंट बोल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिपीट होते हैं एवरी सेकेंड ईयर, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पक्का उठ के आता है। अब यहाँ से देखो ये वाला जो क्वेश्चन आ रहा है ना, डिफाइन डीएमएल, डीडीएल, टीसीएमएल, ये सारा बेटा 2020-21 वाले बैच में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, वहां पे 5 नंबर में बोला गया था कि बताओ डिफाइन करो डीएमएल एंड डीडीएल का, दोनों इन दो दो के एग्जाम्पल, तो 5 नंबर में बेटा, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया था, क्या पूछा था कि बताओ डीएमएल क्या होता है और डीडीएल क्या होता है, दोनों के दो दो एग्जाम्पल दे दो, दो दो एग्जाम्पल दे दो, तो दोनों की डेफिनेशन, 2 नंबर की डेफिनेशन इसकी, 2 नंबर की डेफिनेशन इसकी, यहाँ से, ठीक है, दो दो एग्जाम्पल, हाफ हाफ मार्क्स के एग्जाम्पल इस तरीके से आ गए यहाँ पर, क्लियर हो गया, इस तरीके से हमारे यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो सोचो बेटा कितना ईजी क्वेश्चन था हमारा उस समय, ठीक है, 2021-22, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसलिए इजिली।
अब मैं डीडीएल की बात करूँ, मैं ये करके समझाता हूँ मैं इनको जरा। अगर मैं डीडीएल की बात करूँ, मेरे डीडीएल को जरा समझते हैं जरा अभी, एक मिनट। तो डीडीएल का मतलब क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बेटा एक ऐसी लैंग्वेज है आपकी एसक्यूएल क्वेरीज की, ठीक है, जिसके अंदर कहते हैं आप डेटा की स्कीमा को बनाते हो, मतलब कि डेटा को ड्रॉ करते हो। क्या करते हो? डेटा को ड्रॉ, देखो यहाँ से, देखो इसको ध्यान से समझना, मैं इसको जरा ऐसे दिखाता हूँ आपको। देखो ये रहा डेटाबेस का स्कीमा, एंड यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई। आपको बस यही लाइन याद करनी है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, इसकी डेफिनेशन में, ठीक है। इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा डेटाबेस स्कीमा एंड यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। कमांड्स जरूर याद कर लेना भाई, ये ध्यान रखना, कमांड लर्न करनी जरूरी है इसकी, क्योंकि कमांड लाइन नहीं गई है तो दिक्कत हो जाएगी। देखो अब जरा, क्रिएट की कमांड, ड्रॉप की, ड्रॉप कमांड आती है, ऑल्टर कमांड आती है, ट्रंकेट आती है, कमेंट आती है, रीनेम आती है। इनका क्या क्या यूज होता है वो हम कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब डेटाबेस की मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा डीएमएल कमांड, जब हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इस टाइप की कमांड को हम यूज करते हैं, तो वो कौन सी होती है? डीएमएल कमांड होती है। डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी बस आप थ्योरी पर्पज के लिए इनकी थ्योरी यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा दो टाइप की कमांड और होती है, डीसीएल एंड टीसीएल। डीसीएल के अंदर डेटा को जब हम कंट्रोल करते हैं, अगर मुझे किसी को परमिशन देनी है, ठीक है, कि कोई अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड कर रहा है, तो मुझे उसे परमिशन देनी है तो मैं ग्रांट करता हूँ, नहीं देनी तो रिवॉक करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जहाँ पर अगर आपको कोई भी चेंजेस को परमानेंट करना है ना, तो बेटा यहाँ पे इन कमांड्स का यूज करते हैं, लाइक कमिट का यूज आप करते हो, रोल बैक का करते हो, सेव पॉइंट, सेव ट्रांजेक्शन, इनका ही हम यूज करते हैं। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, कैन देयर बी मल्टीपल प्राइमरी की? तो बेटा एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक ही पीके होगा, पीके सिर्फ एक ही है, ठीक है, समझ में आया? तो एक ही पीके होगा और ज्यादा नहीं होंगे, समझ में आया? इसी के इस तरीके से क्लियर हुआ? तो बेटा ये वाला मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से अभी रिमूव कर दूंगा, इस वाली वीडियो में मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको इसलिए नहीं रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, और इसको मैं अलग से सेपरेट वे में समझाऊंगा कि हम कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर डेटा क्वेरीज को काम करते हैं, समझ में आया? चलिए फिर नेक्स्ट और लास्ट वीडियो पे हम उस पर, लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। लास्ट यूनिट हमारी आ गई है वेब एप्लीकेशन। बेटा वेब एप्लीकेशन बहुत लेंदी वेबसाइट, वो बहुत ही लेंदी आपकी यूनिट है, यहाँ से आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक की भरमार है भाई, ठीक है, टॉपिक की कमी नहीं है इसके अंदर। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी 2021-22 में आया था। इसके अलावा इन इम्पेयरमेंट्स को दूर कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, तो स्टिकी की, ये स्टिकी की है, स्टिकी की है, ठीक है, फिल्टर की, टॉगल की, साउंड एंट्री ऑप्शन, साउंड ऑप्शन, कर्सर ऑप्शन, माउस की, डिस्प्ले, और इसके बाद एक और आ जाता है यहाँ पे सीरियल की, एक और आ जाता है सीरियल की, उसे भी लिख लीजिएगा, वो इसमें नहीं है लेकिन सीरियल की भी आ जाता है। सीरियल की के अंदर पिस एंड, ठीक है, पिस एंड यहाँ पे ये आ जाता है, ब्रेड आ जाता है, ब्रेड बोर्ड आता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो वो सब चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अलग से, ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा वो वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये सारे ऑप्शन, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद का क्वेश्चन जब भी आप एक बार को थोड़ा सा ढीला छोड़ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग वालों पर नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी ढील। अब समझो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो नेटवर्क आपको जरूर पढ़ना है भाई, नेटवर्क का आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, लैन मैन वैन पढ़ते आ रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आया, ये आपने पढ़ रखा है, टोपोलॉजीज आपने पढ़ रखी हैं, रिंग, बस, स्टार, मैश, ये सब हाइब्रिड वगैरह सब, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, डीएनएस, वेब सर्वर, यूआरएल, बेटा सारी डेफिनेशन पढ़नी है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके इंटरनेट सर्विस, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, टीसीपी आईपी एंड आईपी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा जरूर, यूडीपी आईपी भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ से स्विच, ब्रिज, गेटवे, यहाँ से बेटा कोई ना कोई पक्का आप एक एक पार्ट जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए वाईफाई एंड वाईमैक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा सा तजुर्ब जो अपना जो छोड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं इसको। पैकेट्स एंड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा, पैकेट की डेफिनेशन पढ़िएगा, जब भी आप अपने मैसेज को डिफरेंट छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर रिमूव करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़, सेगमेंट्स में तोड़ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। ब्लॉग के ऊपर क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड जरूर पूछता है कि व्हाट इज अ ब्लॉग, कौन कौन सी वेबसाइट होती है, राइट एनी 3 वेबसाइट्स नेम विच ऑफर फ्री ब्लॉगिंग सर्विस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आप सबको पता है, आप सब करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स क्या होता है, फायरवॉल वाले क्वेश्चन आता है,
एक क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिफरेंशिएट P2P एंड क्लाइंट सर्वर। ये क्वेश्चन बेटा जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये ठीक है, ऐसी के ऐसी क्वेश्चन आते हैं, HTTP और HTTPS के अंदर एक क्वेश्चन है यहाँ से। इसके बाद बेटा डिफाइन, यहाँ से देखो सारे सारे वायरस वायरस आ गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, वॉर्म, बूट सेक्टर वायरस, स्पैम, फिशिंग एंड फार्मिंग, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में ही पूछ सकता है कि भाई बताओ फिलिंग फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ठीक है। पूरी पूरी डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि भाई ये कौन सा होता है, MCQ भी पूछ सकता है यहाँ से और डेफिनेशन भी पूछ सकता है, मतलब किसी भी तरीके से यहाँ से पूछ सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ इनके सिम्टम्स, इफेक्ट्स, मालवेयर के, वायरस के इन्फेक्शन के क्या क्या होते हैं, ठीक है बेटा। कुकीज पढ़ लीजिएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं है इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, छोड़ सकते हैं आप। एक बेटा यहाँ से फायर सेफ्टी मेजर्स पे कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है इसके ऊपर, ठीक है, आपके डिजास्टर्स जो होते हैं, डिजास्टर से कैसे आप बच सकते हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, फर्स्ट एड, व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राइट फ्यू टिप्स फॉर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपने अगर इनकी स्क्रीनशॉट ले ली है तो अच्छी बात है, नहीं ली है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इस फाइल का कहते हैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से इस फाइल को डाउनलोड करके कुछ क्वेश्चन के मैंने 3 यूनिट के आपके आंसर दे रखे हैं, बस ये 4th यूनिट के आंसर इसमें नहीं है, ये आप अपने आप करके इसको यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका टारगेट, जो आपका टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 का, ठीक है बेटा, वो आप आसानी से यहाँ से अपना स्कोर कर सकते हैं, 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। अब आपके लिए क्या बचा है, देखो अगर मैं बात करूं आपके लिए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो और आएगी आपकी, जिसके अंदर डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर पूरा पूरा डिस्कशन रहेगा कि एसक्यूएल क्वेरीज क्या, कौन कौन सी कमांड्स, कैसे उनका सिंटेक्स लर्न करा जाए, सिंटेक्स सभी कमांड्स का, ठीक है, कैसे उनको राइट करा जाए, कैसे क्वेरीज को राइट करा जाए, कैसे उनके आउटपुट निकाले जाएं, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर एक क्वेरी, एक वीडियो मैं आपकी जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इसको देखिए, इन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए और अपना 50 आउट ऑफ 50 के टारगेट की तरफ स्टार्ट कीजिए अपना इनिशिएट, ठीक है। तो जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।